हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल उलास डॉट राधिका। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो ये गुवाहाटी का अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे एंड होटल लेके अभी फ्रेशन अप होकर हम लोग यहाँ पे खाना खाने आ गए। तो मेरा फेस आप लोग देख सकते हो, मेरा भूख के कारण ऐसा हो गया क्योंकि हम ट्रेन में कुछ नहीं खाते, मतलब खाते हैं लेकिन एक होता है ना पेट भरा हुआ चीज़ हम नहीं खा पाते, हमको अच्छा नहीं लगता है ट्रेन का खाना। इसी वजह से तो यहाँ पर आते ही सर दर्द इतना भयंकर होने लगा था एंड टैबलेट लिया एंड बाम लगाए, मेरा सिंदूर भी फैल गया आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर साइड में ही होटल के साइड में ये रेस्टोरेंट था, होटल ही था। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए एंड यहाँ पे हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे अभी पल्टन बाज़ार जाएंगे। तो पल्टन बाज़ार बिल्कुल ही स्टेशन के पास है, तो यहाँ का खाना आप लोग देख सकते हो। एंड अलग से हम लोग नॉनवेज ऑर्डर किए थे, चिकन एंड फिश, क्योंकि हमको खाना का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था जो वेज खाना आया हुआ था, बिल्कुल ही इसमें नमक मतलब किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए अलग से नॉनवेज ऑर्डर किए थे। एंड अभी हम लोग खाना खाकर निकल गए हैं पल्टन बाज़ार की ओर, तो यहाँ पे जाते हैं एंड देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। पल्टन बाज़ार है ना स्टेशन के पास ही है, मतलब स्टेशन से निकलो तो आपको पल्टन बाज़ार ही मिलेगा गुवाहाटी में। एंड यहाँ पे सबसे सस्ता मार्केट इसी को यही है बोला जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है आप लोग देख सकते हो, एंड खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें एंड सामान तो बहुत ही कुछ बहुत ज़्यादा सब कुछ मिल रहा था एंड प्राइस बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा था, ज़्यादा प्राइस नहीं था किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे हस्बैंड दिया को गोद में लिए हुए हैं एंड ये लड़की यही परेशान करती है क्योंकि ये भी कुछ खाई पी नहीं थी एंड ट्रेन में ये भी पता नहीं कुछ खाती पीती नहीं है, खाई मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाई कि जिससे पेट भरा हो, हल्का फुल्का तो ट्रेन में बहुत कुछ मिलता था वही सब। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रहा था, यहाँ से हम एक ये लिए थे तो आपको हम वो सब आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे हम क्या क्या लिए थे, क्या क्या शॉपिंग किए, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा बिना स्किप किए हुए। एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी आप लोग देख सकते हो एंड बहुत अच्छा लग रहा था, की रिंग एंड उस पर नेम लिखा हुआ सब कुछ ही मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में बिना स्किप किए हुए, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा एंड मेरे साथ आप लोग भी पल्टन बाज़ार घूमिए गुवाहाटी की। ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हम गुवाहाटी गए थे तो उसका ब्लॉग हम डाल दिए चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। एंड गुवाहाटी पल्टन बाज़ार से हम कुछ शॉपिंग किए हुए थे, तो अभी तक हम आने के बाद से अपना कुछ अनबैक किए ही नहीं थे, कोई सामान नहीं निकाले थे, तो इसीलिए एंड अभी हम निकाले हैं तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं किसका क्या प्राइस है। एंड बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा था तो कुछ कुछ चीज़ें लिया हम अपने लिए तो नहीं लिए एंड जो लिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में बिना स्किप किए हुए, पूरा ब्लॉग देखिएगा। एंड गुवाहाटी पल्टन बाज़ार से ये शॉपिंग हम किए हैं, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं ये रबड़ एक पैकेट है, इसमें 24 पीस है एंड ये 50 रुपीज़ का मिल रहा था तो हमको बहुत अच्छा लगा तो हम ये दिया के लिए लिए हैं। एंड इसमें सारे कलर के हैं आप लोग देख सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट ये हेयरबैंड लिए, ये 10 रुपीज़ पर पीस का मिल रहा था तो ये 3 पीस लिए, इसमें दिया को भी देंगे एंड मेरी भतीजी के लिए भी लिए है तो दोनों को देंगे, तो ये 3 पीस है। एंड ये दिया के लिए क्लिप, तो ये 10 रुपीज़ का था, ये 3 पीस एंड बहुत चीप प्राइस में मिल रहा था, इसीलिए हम ये सब शॉपिंग किए क्योंकि नेपाल में ना ये सब चीज़ मतलब यहाँ पे डबल ट्रिपल प्राइस, जैसे ये 10 रुपीज़ का है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ से कम में नहीं देगा, तो इसीलिए हम गए थे तो हमको देख सस्ता लगा तो हम ले लिए कुछ कुछ चीज़ें। एंड ये रबड़ 10 का है, ये इसमें भी 3-4 जोड़ा 3 जोड़ा इसमें भी रबड़ है। एंड ये 2 क्लिप,
ये 10 रुपीज़ पर पीस का था, तो ये दो लिए, एक दिया के लिए एक अपनी भतीजी के लिए, ये हम भी लगा सकते हैं। एंड ये कुछ इयररिंग लिए हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये पैकेट में है। एंड ये सब 10 रुपीज़ का था। एक ये इयररिंग हम खोल कर दिखाते हैं, तो ये सब 10 रुपीज़ का था। एंड ये एक छोटा सा, दो ये लिए, ये भी 10 10 रुपीज़ का था। एंड हम अपने लिए एक ये दुपट्टा लिए, एंड ये 100 रुपीज़ का था दुपट्टा, बहुत अच्छा लगा हमको, रेड कलर का था, हमको रेड कलर तो ऐसे भी मेरा फेवरेट है तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक ये दुपट्टा लिए हम अपने लिए, आप लोग देख सकते हैं नेट का है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, किसी भी सूट के साथ आप वेयर कर सकते हो। एंड एक ये दुपट्टा लिए, ये भी 100 का था, ये ब्लैक कलर का कॉटन का है, तो हमको इस टाइप का दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है सूट पर डालना, तो एक ये लिए थे। एंड ये दो दुपट्टा हम अपने लिए लिए। एंड ये बैंगल लिए 4 पीस है, तो ये हम अपनी भतीजी के लिए लिए। एंड ये गिरी गया। एंड ये क्लिप लिए हैं, हेयर क्लिप दिया के लिए, इसमें सारे कलर के हैं, तो ये शायद हमको 70 रुपीज़ का पड़ा था, ये पूरा पैक का 70 पड़ा था। एंड ये लिए एक, ये 20 रुपीज़ का पड़ा हुआ था, तो अभी दिया का चोटी बनना होता है, उसको चाहिए होता है ये सब चीज़, तो हम स्पेशली ज़्यादातर दिया का एंड भतीजी के लिए लिए, बच्चे का ही सारा चीज़ अच्छा अच्छा मिल रहा था, बड़ों का तो इतना नहीं मिल रहा था, मतलब ढूंढने पे मिलता लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग गए भी नहीं, एंड जो सामने दिख रहा था वही हम लोग शॉपिंग किए। एंड एक ये क्लिप लिए, तो ये भी दिया के लिए, एंड इसमें से मेरी भतीजी को कुछ पसंद आएगा तो उसको भी हम दे देंगे। एंड एक ये बैंगल लिए, ये दियू के लिए लिए हम अपनी बेटी के लिए। तो ये 12 पीस है, एंड पता नहीं पहनेगी कि नहीं पहनेगी, हमको अच्छा लग रहा था तो हम ले लिए, कितना क्यूट लग रहा है। एंड ये लिए हैं, ये 6 4 8 पीस है, तो ये ना हमको गिफ्ट करना है, इसमें से मन होगा तो हम 4 पीस अपने लिए रख लेंगे, नहीं तो हमको गिफ्ट करना है, किसी को देना है, एंड किसको देना है ये हम अभी नहीं बता सकते। तो ये बैंगल बहुत अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। एंड एक ये पेंट लिए, ये 100 रुपीज़ का है, तो ये हम अपनी भतीजी के लिए लिए है, ये डेली वेयर के लिए अच्छा लग रहा था, तो ये एक लिए है अपनी भतीजी के लिए। एंड ये टी शर्ट लिए, ये 100 रुपीज़ का था। एंड एक ये लिए, तो ये अपने भतीजे के लिए लिए, क्योंकि लड़के लोग का ना कुछ मिलता है नहीं, लड़के लोग का तो बहुत सारा चॉइस रहता है, लड़के लोग के लिए क्या ले, तो हम ये दो टी शर्ट ही लिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये दो टी शर्ट लिए उसके लिए। एंड एक ये पर्स लिया, हैंड बैग आप लोग देख सकते हो, तो ये हमको अच्छा लग रहा था, तो ये भी हमको किसी को देना है, एंड किसको देना ये अभी हम नहीं बता सकते, गिफ्ट करना है, तो ये लिए हम। एंड एक ये बैग लिए, तो देखते हैं हम दोनों में से कौन सा, एक हम अपने खुद रखेंगे एंड एक देंगे, तो देखते हैं कौन सा देते हैं एंड कौन सा हम खुद रखेंगे। एंड एक ये लिए, तो ये ना हम फॉर्चून वेल रखने के लिए लिए है, क्योंकि मेरे पास वो ग्लास का तो है लेकिन वो आधा लीटर का ही है, तो जो जब पैकेट फाड़ते हैं तो वो पैकेट में 1 लीटर रहता है वेल या फॉर्चून कुछ भी, तो आधा लीटर हम इसमें रखते हैं एक्स्ट्रा जो बच जाता है, तो मेरे पास मस्टर्ड वेल के लिए एक था, तो एक हम फॉर्चून वेल के लिए लिए, तो ये हमको 100 रुपीज़ का मिला, पता नहीं स्टील कैसा है, ये एक लिए। एंड यहाँ पे दिया का ढेर सारा टॉयज लिए, ये 50 रुपीज़, एंड हमको बहुत चीप लग रहा था इसीलिए हम ले लिए, एंड बच्चे को लेकर जाएंगे तो बच्चे को टॉयज पे नज़र पड़ेगा तो वो तो जिद करेगी ही लेने के लिए, तो एक ये लिए। एंड ये भी 50 रुपीज़। एंड एक ये बस, ये ट्रेन, उसके पास चाहे खिलौने से घर भरा हो लेकिन उसको खिलौना चाहिए ही होता है, ये हर बच्चा का ही रहता है तो क्या ही कर सकते हैं, तो ये किए लिए, एक ये लिए। एंड और भी छोटे छोटे कौन खिलौने लिए, तो जो वो खेल रही है पता नहीं कहाँ कहाँ रखती है। एंड एक ये लिए, अभी तो खोले भी नहीं है जब से लेकर आए हैं, पता नहीं टूटा हुआ है, टूटा कि क्या हुआ, एक ये तो देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा इसका बज रहा है, इसको सेट करना पड़ेगा अच्छे से, ये ऐसे घूमता है बहुत प्यारा लगता है। तो ये 100 या 150 का था, तो एक ये लिए।
तो यही रहा मेरा गुवाहाटी का शॉपिंग, पल्टन बाजार से शॉपिंग। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा शॉपिंग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब एक और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।